सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएल ऑनर्स। तो आज आपने टाइटल देख के जैसे समझ ही लिया होगा कि आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है और इस चैनल का जो भी टॉपिक रहता है, जो भी कंटेंट रहता है, उससे काफ़ी अलग है। तो आज की वीडियो में हम सीए से रिलेटेड किसी पढ़ाई के बारे में या कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं। आज की वीडियो है कि मैंने आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से आखिर अपनी फर्स्ट इनकम जो है वो पा ली है, और वो कितनी है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि इनकम जो है वो इतनी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। इनकम काफ़ी छोटा अमाउंट है, लेकिन अगर आप इसको समझो तो बहुत छोटा है, और अगर आप समझो तो काफ़ी बड़ा है। तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि मैं इस अमाउंट को उस अमाउंट के नज़रिए से नहीं देख रही हूँ, ठीक है ना। मैं इस अमाउंट को देख रही हूँ कि यार, मतलब ये कितनी मेहनत से मैंने इसको कमाया है, कितनी एबिलिटी जो है, मैंने अपनी खुद की कैपेबिलिटी यूज़ कर इसको कमाया है। ऑफकोर्स इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट रहा है, डेफिनेटली शुरुआत से लेकर अभी तक जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा थैंकफुल ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। और अभी इस टाइम पर जो मैं फील कर रही हूँ ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती करंटली वर्ड्स में। तो मैं पहले सोच रही थी कि क्या करूँ, बताऊँ या नहीं बताऊँ, सही रहेगा बताना या फिर नहीं रहेगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, इसमें आप लोगों का 50% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो आप लोगों का है डेफिनेटली, और 50% मेरा है। तो इतना बड़ा अगर हाथ है आप लोगों का, तो आप लोगों को तो बताना बनता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि मुझे कितना क्या अमाउंट मिला है, कितना टाइम लगा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ छोटी सी बताना चाहती हूँ एक यूट्यूब पॉलिसी के बारे में, और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ स्पेशल आपको चीज़ बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि YouTube की जो पॉलिसी रहती है, उसके हिसाब से मैं डायरेक्ट पेमेंट तो ऑफकोर्स आपको नहीं बता सकती हूँ। मैं आपको पहले थोड़ा सा बताती हूँ कि क्या क्या होता है। YouTube का एक गाइडलाइंस आप बोल सकते हो कि $100 जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं चैनल पर, तभी वो पेमेंट जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो मेरा पहले काफ़ी ऐसा था कि 2-3 महीने में आप बोल सकते हो कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया था आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, लेकिन मुझे YouTube पेमेंट एक्चुअली अर्न करने में काफ़ी टाइम लगा है बोल सकते हैं हम। क्योंकि आज जो है मेरे YouTube में ऑलमोस्ट 10 मंथ्स जो है, थोड़े टाइम बाद मेरे कंप्लीट होने वाले हैं, और अभी करंटली हमारे साथ जो है 5000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी, बिल्कुल 10-20 सब्सक्राइबर्स बचे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हो ही गए 5000 सब्सक्राइबर्स। तो इस टाइम पर जो पेमेंट आ रही है ना, वो एक्चुअली रुपए से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो पेरेंट्स वगैरह का रिएक्शन, ग्रैंड पेरेंट्स का रिएक्शन, पूरी फैमिली में मैंने सबको बताया ऑफकोर्स, फ्रेंड्स वगैरह का, इन सभी का रिएक्शन काफ़ी अच्छा है ना। तो आप लोग भी जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो गए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना, हम बात करते हैं कि पेरेंट्स का एक्चुअल रिएक्शन क्या रहा था। तो सबसे पहले तो मैंने ये बात ऑफकोर्स मम्मी को बताई थी। एक्चुअली मेरा पेमेंट जो है ना, वो 2 दिन पहले ही आ चुका था, लेकिन मुझे खुद को पता नहीं था, मेरे को ऐसा यकीन नहीं था कि यार ऐसे ही अपने आप पेमेंट आ जाएगी। मुझे लगा था कि जैसा कि मैंने सुना था कि पहले तो बैंक वगैरह से फ़ोन आता है, वो आपसे फॉर्म फिल करवाते हैं, तो मुझे लगा था कि चलो फॉर्म भरना रहेगा तो बैंक जाना पड़ेगा उसके लिए, तो मैं फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। बेसिकली मैं 2-3 दिन और देखती, वरना फिर मैं बैंक जाने वाली थी। बट फिर मैंने ऐसे ही मन में आया सुबह कि नहीं यार, एक बार चेक तो करूँ मैं। तो फिर मैंने चेक करा, तो मुझे पता चला एक्चुअली क्या है, पेमेंट का जो मैसेज है वो मेरे मोबाइल पे नहीं आता है, वो पापा के फ़ोन पे आता है। तो पापा के फ़ोन पे मैंने चेक करा, तो ऑलरेडी पेमेंट जो है वो 2 दिन पहले ही आ चुकी थी। और उस टाइम पर लिटरली उस टाइम पर मेरा रिएक्शन बहुत ही अलग था। रिएक्शन तो वेरी नॉर्मल था, बट अंदर से जो फीलिंग थी ना, वो काफ़ी अलग थी। और ऐसा था कि यार, भले ही अमाउंट ठीक हो, छोटा हो, बट वो जो एक रहता है ना कि नहीं यार, फाइनली खुद के दम पर कुछ पहली जो इनकम है वो हमारे हाथ में ही, और अब जो है ना ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो अब डेफिनेटली यूट्यूब से भी आएगी रेगुलर इनकम, और जो है सीए बनने के बाद तो ऑफकोर्स फिर आएगी ही सही। तो पेरेंट्स को मैंने बताया, तो सबसे पहले मम्मी को बताया था, तो मम्मी पहले तो बहुत शॉक हो गई, क्योंकि पेरेंट्स वगैरह को तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पेमेंट वगैरह ऐसा कुछ आने वाला है। तो मम्मी बहुत शॉक हो गई और खुश हो गई ऑफकोर्स। बट फिर मम्मी ने खुश होने के बाद थोड़ी ही देर बाद बोला कि नहीं यार, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी खुश मत हो, क्योंकि अभी जो अपना मेन एम है ना, वो सीए हैं, ठीक है, यूट्यूब भी करना अच्छा है, बट वो उनकी जगह सही थे डेफिनेटली, ठीक है ना। तो क्योंकि पेरेंट्स इतना एकदम नहीं समझते कि यूट्यूब में भी करियर वगैरह है, या फिर अभी मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली मम्मी का था कि यार पहले सीए बन जा, उसके बाद मुझे जो खुशी होगी ना वो ज़्यादा रहेगी। उनको यूट्यूब से इतनी ज़्यादा खुशी हम बोल सकते नहीं हुई, बट डेफिनेटली पेमेंट आया था तो खुशी तो हुई थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं हम बोल सकते।
फिर पापा की अगर मैं बात करूँ तो पापा तो लाइक बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि पापा इतना वो नहीं है, पापा को ऐसा है कि यूट्यूब कर रही है ओके वगैरह, मम्मी को थोड़ा है कि यार ना करे तो अच्छा है, वीडियोस वगैरह बनाने से क्या हो जाएगा, सीए बनने के लाइक बाद जॉब वगैरह करना, तो वो मम्मी को ज़्यादा अच्छा लगता है। बट पापा का रिएक्शन काफ़ी अच्छा था कि यार मतलब कैसे आ गई, पापा एक्साइटेड थे कितने क्या सब्सक्राइबर्स हुए, क्योंकि पापा यूट्यूब वगैरह ऐसे नहीं देखते ठीक है ना, तो पापा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और खुश थे। उस टाइम तो मेरी बहन जो थी वो स्कूल गई हुई थी, तो उसको मैंने नहीं बताया, स्कूल से जैसे ही वो आ गई वैसे ही मैं ऑफिस से भी आ गई थी, तो फिर मैंने तब उसको बताया, तो वो भी काफ़ी खुश थी। ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हमारे साथ नहीं रहते हैं, बट वो जहाँ पर भी लाइक दूसरे घर में रहते हैं वो चाचा चाची के साथ, तो उनको मैंने बताया तो वो भी ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा खुश थे। तो एक डेफिनेटली मतलब एक खुशी वाला माहौल तो है ही आज, और सेलिब्रेशंस वगैरह भी एक स्मॉल लेवल पर हम ज़रूर करने वाले हैं, लेकिन एक बिग सेलिब्रेशन तो अभी फ़िलहाल तो नहीं होने वाला है, बट डेफिनेटली खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब आप लोग एक्साइटेड हो ये जानने के लिए कि आखिर पेमेंट मिला कितना है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया कि यूट्यूब की जितनी थ्रेशोल्ड होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट जो रहती है, एग्जैक्टली मुझे उतना ही अमाउंट मिला है। एक राउंड फिगर में मुझे लाइक 4 डिजिट नंबर है और उतना ही मुझे अमाउंट मिला है। अब इससे आप गैस कर सकते हैं, डेफिनेटली मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों को लाइक अंदाज़ा दे दिया है, अप्रॉक्स फिगर ही मैंने आपको पूरा बता दिया है कि जितनी थ्रेशोल्ड होती है उसको आप इनटू डॉलर का जो रेट चल रहा है उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो आपको मिल जाएगा, और वही अमाउंट मेरे को जो है वो आया है। और अब मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि हमारे चैनल पर होने वाले हैं 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट, हो ही गए, हो सकता है कि जब तक आप देख रहे हो तब तक हो गए हो, तो इस ओकेशन पे लाइक ये ओकेशन ही है ना, तो इस ओकेशन पर मैं लेके आ रही हूँ वो एक स्पेशल क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। तो आपके जो भी लाइक क्वेश्चंस वगैरह हैं तो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर सीए के बारे में अगर आपको कुछ पूछना हो, या फिर कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहें वो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर लाइक जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस रहेंगे या जितने भी क्वेश्चंस मैं लाइक उनका आंसर कर पाऊंगी तो मैं डेफिनेटली अगली वीडियो जो है उस पर बनाने वाली हूँ। तो मुझे जो है अच्छे से कमेंट्स में बताओ कि कौन कौन से लाइक चीज़ें आप मेरे बारे में जानना चाहते हो, और मैं बताने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर इस टाइप की वीडियोस लाइक अगर आप यूट्यूब जर्नी वगैरह कुछ भी अगर आप लाइक जानना चाहते हो तो वो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं ऐसी वीडियोस आगे और बनाती रहूँगी अगर आप लोगों का लाइक रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 10K सब्सक्राइबर्स, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।